ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि कॉलेज कब खुलेंगे, स्कूल कब खुलेंगे और आपके जो लगे हुए एग्ज़ाम हैं वो कब होंगे। जैसे कि आपकी VA का एग्ज़ाम, MA का एग्ज़ाम, MED का एग्ज़ाम, BED का एग्ज़ाम और जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम लगे हुए हैं और कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम लगे हुए हैं वो कब और कैसे होंगे। तो इस वीडियो में वही हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा अनलॉक 4.0 के बारे में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, बहुत सारे दोस्त हमारे कॉलेज खुलने का इंतज़ार कर रहे थे, स्कूल खुलने का इंतज़ार कर रहे थे और आपका एग्ज़ाम देने का इंतज़ार कर रहे थे और आना था केवल अनलॉक 4.0 के गाइडलाइंस। तो दोस्तों देखिए, अनलॉक 4.0 इसकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं। इस गाइडलाइंस में क्या मेन है, क्या आपके स्कूल खुलेंगे कि नहीं खुलेंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहला इसमें पॉइंट जो बनता है, अनलॉक 4.0 में स्कूल नहीं खोलने का फरमान जारी किया गया है। तो दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार द्वारा एक इसमें गाइडलाइन जारी की गई हैं कि स्कूल नहीं खोलने का फरमान जारी किया है, लेकिन ये निर्भर करता है राज्य सरकारों के ऊपर कि वो कॉलेज और स्कूल को खोलना चाहेंगे कि नहीं खोलना चाहेंगे। दोस्तों, जो अनलॉक 4.0 लागू हुआ है आज, उसमें रूल क्या है आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला जो रूल आता है आपका, इस नियम में स्कूल, कॉलेजेस, कोचिंग तथा अन्य जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनको बंद करने की बात कही गई है। और दूसरा इसमें पॉइंट जो बनता है वो है कंटेनमेंट जोन के जो बाहर के स्कूलों में क्लास 9 से लेकर 12 तक के जो छात्र हैं वो जा सकते हैं स्कूल कॉलेज। और अब एक जो नया इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है इसमें कि 21 सितंबर के बाद 50% टीचिंग स्टाफ स्कूल जा सकेंगे। मतलब आपका जो धीरे धीरे है चरणबद्ध तरीके से आपका स्कूल खुलना स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, राज्य सरकारों के द्वारा क्या कहना है हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, पहले बात करते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा है कि अनलॉक 4.0 की जो गाइडलाइंस होगी उसके अनुसार हमें काम करना पड़ेगा। मतलब दिल्ली सरकार ने पहले ही मना कर दिया कि स्कूल कॉलेजेस नहीं खोले जाएंगे। अब देखिए, आती है यूपी गवर्नमेंट की बात। तो यूपी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि गाइडलाइंस के अनुसार सब काम होगा और कॉलेज और जो स्कूल हैं वो खोलने की अनुमति भी दे सकता है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट ने हाल ही में दो एग्ज़ाम करवाए हैं, जो कि है यूपी VED और दूसरा करवाया है BEO। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की और जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यूपी में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस 70-80% तक हैं। ओके, अब बात करते हैं बिहार की। तो देखिए, बिहार की बात करते हैं तो वहाँ पे बाढ़ ने बहुत ज़्यादा कहर बरपा रखा है। तो वहाँ पे जो कॉलेज खुलने का है वो आपके कॉलेज नहीं खुलेंगे, ये बात कही गई है। और दोस्तों जैसे कि महाराष्ट्र हो गया और दूसरे स्टेट हो गए, उन लोगों ने मना कर दिया क्योंकि वहाँ की जो कंडीशन है कोरोना के कारण बहुत ही ख़राब है, इसलिए वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस कुछ भी नहीं खोले जाएंगे, ना ही आपके कोई भी एग्ज़ाम कराया जाएगा। ओके, तो ये थी अनलॉक 4.0 की प्रक्रिया, जिसमें मैंने आपको रूल रेगुलेशन सारे बता दिए हैं। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।